जबलपुर में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव आज शुरू हो गए हैं, जहां इस बार कोरोना महामारी के चलते युवा कांग्रेस संगठन चुनाव में मतदाता अपने मतों का प्रयोग ऑनलाइन देंगे, जहां 3 दिनों में लोकसभा अध्यक्ष, जिला महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के लिए मतदान हो रहा है। वहीं जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा में युवा कांग्रेसी अपने मतों का प्रयोग ऑनलाइन करते हुए दिखाई दिए, जहां एक मतदाता अपने मत का 5 बार प्रयोग कर अलग अलग पद के लिए खड़े उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर रहा है। जहां मतदान में फर्जीवाड़े न हो सके, इसके लिए मतदाता के पंजीकृत मोबाइल पर OTP भेजा गया, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। वहीं जबलपुर से 6 से ज्यादा उम्मीदवारों ने जिला अध्यक्ष से दावेदारी कर चुनाव में खड़े हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस नेत्री पिंकी मुदगल भी मैदान में है, जहां उत्तर मध्य विधानसभा से दुर्गेश पटेल ने बताया कि इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है, जहां जबलपुर से 6 जिला अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। मतदान के बाद 3 दिन में मतगणना के बाद घोषणा होगी। और युवाओं के बढ़ते हुए इंटरनेट और मोबाइल के कदम को देखते हुए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वोटिंग आज प्रारंभ करी है। यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे से चालू हो गई है और शाम के 4 बजे तक चलेगी और लगभग 2 या 3 दिन में इसके पूरे प्रदेश के, जिले के और विधानसभा स्तर के परिणाम आएंगे। लगभग कितने प्रत्याशी जबलपुर में? जबलपुर से, जिले से 6 प्रत्याशी हैं, विधानसभा 22 अलग प्रत्याशी हैं, प्रदेश महासचिव के लिए लगभग 8-9 प्रत्याशी हैं और अध्यक्ष पद के लिए भी 2-3 प्रत्याशी, जबलपुर से 2 महिला। कांग्रेस के इलेक्शन की वोटिंग चल रही है, चुनाव प्रक्रिया में बदलाव है। इस बार, पिछले बार बूथ में वोट डल रहे थे, इस बार ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम है और युवाओं में उत्साह है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग का टाइम है, 3 दिन के बाद परिणाम है ऑनलाइन। आपका नाम? यूसुफ अली शादाब, उत्तर मध्य विधानसभा। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।